बिहार के वैशाली जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में कुछ मनचलों ने एक युवती के साथ छेड़खानी का प्रयास किया। इस दौरान युवती ने विरोध किया तो मनचलों ने युवती और उसकी मां का सिर मुंडवा कर सरेआम गांव में घुमाया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने मां बेटी की बेरहमी से पिटाई भी की। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ मनचलों ने बुधवार देर शाम एक किशोरी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जिसका किशोरी ने विरोध किया। आरोप है कि युवती द्वारा विरोध करने से गुस्साए बदमाशों ने युवती और उसकी मां को उसके घर से उठा ले गए और उनकी जमकर पिटाई की। उसके बाद जब बदमाशों का मन नहीं भरा तो मां बेटी का सर मुंडवा कर गांव में घुमाया। गौरतलब है कि गांव के लोगों ने भी इस घटना का विरोध नहीं किया। भगवानपुर के थाना प्रभारी संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि पीड़ित के बयान पर भगवानपुर थाना क्षेत्र में इस मामले पर एक प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है, जिसमें 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। सभी आरोपी पीड़िता के गांव के ही रहने वाले हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी मामले की छानबीन की जा रही है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।